मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं। मदनी मुसाफिर में जाने के लिए इसी से चलाई जा रही है, तो आप तमाम इस्लामी भाई आलमी मदनी मन्नत का फैजान मदीना में जो कि अमीर अहले सुन्नत मदनी मुसाफिर फरमाते हैं, सवाल के जवाब इरशाद फरमाते हैं, तो आइए अहले सुन्नत की बारगाह में नियत कर लें कि पीर वाले वाली बात बाद में इंशाअल्लाह करीब यहां बस में सवाल होकर फैजान मदीना जाएंगे इंशाअल्लाह। नियत कर लीजिए इंशाल्लाह ये गाड़ी निकल भी जाएगी, वहां छोड़ भी देंगे। और इसी तरह से मदनी चैनल पर भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजाना यकुम रबी अव्वल, जैसे कल की रात से लेकर 12 रबी अव्वल की शब की तेरहवीं शब में ये मदनी मुजाहरा प्राय रात मदनी चैनल में रोजाना तकरीबन 9 बजे के आसपास ये मदनी मुजाहरा शुरू हो जाता है। तो ये मदनी मुजाहरा में अल्हम्दुलिल्लाह इल्मे दीन का खजाना हमें हासिल होता है। आप हजारों किताब या सैकड़ों किताब आप मुताला करें एक मसले के हल के लिए कितना टाइम चाहिए, ठीक है। इसी तरह से मुख्तलिफ सवाल आते हैं और अमीर अहले सुन्नत उस सवाल के जवाब आसान अंदाज में गोया एक दिन का बच्चा भी समझ लेगा इस अंदाज में आप सवाल के जवाब इरशाद फरमाते हैं, तफसीली जवाब इरशाद फरमाते हैं। नियत कर लेंगे इंशाअल्लाह मदनी मुजाहरा के लिए फैजान मदीना जाएंगे। तमाम सारे भाई भाई खाने से पहले की दुआ करो, बिस्मिल्लाह अल्लज़ी ला यायू मा सहिबी शैयउन फिल अर्दी वला फिस्समाई व हुवस समीउल अलीम, बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। जो कोई हल लुकने में या वाजिदों पर लेगा वो लोगों के पेट में जाकर नूर बन जाता है और बीमारियां दूर हो जाती है। तो ये अपने घर के दस्तरखान में अपने जब घर में दस्तरखान लगाया जाए तो बच्चे बैठे तो आप उनको भी वही बताएं कि बेटा हल लुकने में या वाजिद बिस्मिल्लाह या वाजिद बिस्मिल्लाह या वाजिद, इससे क्या होगा खाना तो खाई नहीं है भूख मिट जाएगी लेकिन क्या होगा कि आप जिक्र करने वाले में शामिल कर लिए जाएंगे, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं या वाजिद अल्लाह के नामों में से एक नाम है बिस्मिल्लाह, हर लुकने में बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे या वाजिद पढ़ेंगे। वैसे ही आजकल बीमारियां बहुत सारी आम है, इतनी बीमारियां आई हैं कि पहले हमने सुने भी नहीं थे कि जनाब कैंसर है तो कोरोना वायरस है फला 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 फला। तो एक एक इस महफिल से यानी महफिल मिलाद से एक एक तोहफा लेकर जाए वो क्या है, मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला ने वही फरमाई ए मूसा बगैर वुजू अगर कोई मुसीबत पहुंचे तो अपने आप को मलामत करना अपने आप को कसूरवार ठहराना अपने आप को दोष देना मेरी तरफ नहीं इशारा करना कि ये क्या हुआ, तो पता चला है कि जब तक बंदा बावजूद रहता है अल्लाह ताला के हिफ्ज व अमान में रहता है तो मुसलमान भी पिया बगैर वजू से रहेगा मुसलमान है ना, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान घर में पैदा होता हूं मुसलमान यानी मुसलमान यानी मुसलमान, तो हमें मुसलमान होने की हैसियत से हमें मालूम होना चाहिए हमें हमारे बच्चे बच्चे को भी मालूम होना चाहिए हमारा दीन क्या कहता है हर शोबे में अल्हम्दुलिल्लाह दीन रहनुमाई करता है। दुनिया की आएंगे इंशाअल्लाह फैजान मदीना जाएंगे, देखिए इस्तेमा में आते जाते रहेंगे तो आप सीखेंगे कि नमाज बाद में नहीं फराइज है इतनी शरायत है गुस्ल में कितने फर्ज है, बहुत से नौजवान हमारे जो ऐसे हैं जो उनको गुस्ल का तरीका नहीं आ रहा उसे पता ही नहीं है पाक कैसे हद है दुनिया ग्रह के दावत आवत आमी का जो है हफ्ता वारी शर्मा रजाए मुस्तफा मस्जिद तुरंग नंबर 4 में होता है करीब है जुमेरात के दिन बाद नमाज मगरिब ये 2 घंटे का इस्तेमा होता है। आप 16 घंटे 24 घंटे पूरा दिन आप नमाज में लग जाते हैं कोई बात नहीं आपके भाई लेकिन 2 घंटे दीन सीखने के लिए आप याद करेंगे इस्तेमा में मुझे करते रहेंगे खाना आ चुका है लंगर है तो आप तनावुल फरमाएं और अच्छी अच्छी नियतों के साथ साथ खाना तनावुल फरमाइए कि खाना इसलिए खा रहा हूं कि इबादत पर बहुत हासिल करूंगा खाना इसलिए खा रहा हूं रिस्क के हलाल कमाऊंगा खाना इसलिए कर खा रहा हूं कि 5 की नमाज अदा करूंगा खाना इसलिए खा रहा हूं कि किसी की मोहताजी ना हो किसी के सामने दस्त सवाल फैलाना ना पड़े यानी भीख मांगना ना पड़े यानी खाना खाने के बाद जो अदात हासिल होगी वो रिस्क के हलाल कमाने में इबादत में वालिदैन की खिदमत में कुरान की तिलावत में इंशाअल्लाह होगा।
کریم صرف کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حافظ و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد. پیارے رضا میرے رضا، پیارے رضا اچھے رضا سچے رضا، بے کر سنت اعلی حضرت، مخزن عظمت اعلی حضرت، فخر ملت اعلی حضرت، رب کی